सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नई एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिस एप्लीकेशन की मदद से आप गाने रिमिक्स कर सकते हो। और गाइज, उस एप्लीकेशन के अंदर रिमिक्स काफ़ी शानदार होता है। अगर आपको रिमिक्स करने का शौक है गाने वगैरह, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा देखे जाना, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो है एप्लीकेशन वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, और ये हमारी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। और एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो बीच वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। और गाइज, ये वाली एप्लीकेशन अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और ये प्ले स्टोर के ऊपर भी है, तो वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके सामने ये ओपन हो जाएगी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको जो बीच वाला बटन है, इसके बीच वाला जो बटन रहेगा उस वाले बटन पर आपको ओके करना है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अब मैं आपको एक तो गाइस अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगी, ठीक है ना एप्लीकेशन। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड वाला बटन आपको ऊपर है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा जो रिकॉर्ड वाला बटन है, ये यहाँ पे हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट रिकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ भी आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर गाना वगैरह ऐड होगा। तो गाना ऐड होने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो प्लस आइकन दिखाई देगा, यहाँ पे दोनों तरफ पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको जो प्लस आइकन यहाँ पर आने के बाद अब आपको यहाँ पे जो एक कॉर्नर के अंदर प्लस दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सारे के सारे जो फोल्डर है वो आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो सारी सारी प्ले लिस्ट आ चुकी है, और सारे के सारे फोल्डर यहाँ पर आ चुके हैं। जो भी फोल्डर के अंदर आपका गाना हो वो यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे इजिली आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको वापस बैग आ जाना है, और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से बैग आ जाना है, और यहाँ पर आपका जो सॉन्ग है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक एक करके सॉन्ग वगैरह ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो फिलहाल मेरे पास कुछ इस तरीके से सॉन्ग है, तो यहाँ पर मैं कोई सा भी सॉन्ग यहाँ पर फिलहाल ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्ले वाले बटन पर ओके कर देना है। तो ये हमारा जो सॉन्ग है इसके अंदर चल चुका है, यहाँ पे जो हमारा जो ट्रैक है इसके अंदर आ चुका है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा इस तरफ भी अब हम क्या करेंगे, इस वाली तरफ भी सॉन्ग वगैरह ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास कुछ इस तरीके से सॉन्ग है, तो यहाँ पे मैं कोई सा भी सॉन्ग यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं कर लेता हूँ कोई सा भी सॉन्ग वगैरह ऐड। तो यहाँ पे मेरे को अगर सॉन्ग और भी ऐड करना पड़ेगा तो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं कोई सा भी यहाँ पे एक यहाँ पे सॉन्ग वगैरह ऐड कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सॉन्ग वगैरह सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो बेस वगैरह है या फिर ट्रैक वगैरह है जो कि हमारे सॉन्ग रिमिक्स करते हैं उसके अंदर काम आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको वो मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे और भी ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आवाज वगैरह कंट्रोल करने के यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पे देख सकते हैं। गाने को अगर आगे निकालना हो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है ना। और इसको यहाँ पे इक्वलाइजर वगैरह ये भी है। और गाइस एक खास बात ये है कि जैसे आप गाने को ऑन करोगे तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऐसे एक आवाज आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, और गाइस कुछ इस तरीके से ये हमारा जो एप्लीकेशन है ये कुछ इस तरीके से काम करता है। और गाइस इसका जो अपडेट है वो भी आने वाला है, ज़बरदस्त अपडेट है वो भी, आप काफ़ी तगड़ा वाला अपडेट आने वाला है, तो वो भी आप ज़रूर से देखिए। उस वाले अपडेट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस और मिल जाएंगे, ठीक है ना। और गाइस ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे भी अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।